दुनिया के अंत का पहला दिन, वहाँ जहाँ इस सब की शुरुआत हुई, यानी न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर रियलिटी की फैब्रिक में रिप दिखाई दी और दिखाई दिया एक आदमी जो निकला था दूसरे डायमेंशन से, खौफनाक ताकतों के साथ, जो पूरे प्लेनेट को ले करने के लिए काफ़ी थी। तभी एक आदमी आसमान से डस्टबिन में गिरता है और उसकी तरफ एक परछाई बढ़ती है, लेकिन वो आदमी नहीं था, वो था एशले जे विलियम्स, वर्ल्ड ट्रैवलर और ट्रैवलर बिटवीन वर्ल्ड्स, एक एडवेंचरर, एक हीरो और एक रिटेल क्लर्क, जो कि वो आज था। तभी एक हाथ फूड कहते हुए उस डस्टबिन की तरफ बढ़ता है जहाँ एशले गिरा हुआ था, लेकिन तभी ऐश एक टिन का डब्बा उस बूढ़ी औरत के सिर पर मारता है जो उस डस्टबिन की तरफ बढ़ रही थी खाना ढूंढने के लिए, और कहता है, अपने बदबूदार हाथ मुझसे दूर रखो गंदी औरत। और फिर से एक खाया हुआ सेब उसकी तरफ मारकर कहता है, कहीं और जाकर भीख मांगो और एक इंटरडायमेंशनल हीरो को अपना काम करने दो। और वो खुद से कहता है, अब मुझे अंदाज़ा लगाना होगा कि मैं कहाँ हूँ। ये अजीब है, मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो थी रोशनी, जो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, और फिर ये सब हुआ। मुझे लगता है इन सब के बाद तो मैं जिंदा ही होऊंगा। मुझे यकीन है कि यह स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में इससे कम ही कचरा होगा, और यह तो नरक की तरह बदबूदार है, लेकिन कोई डेविल नहीं दिख रहा। आखिरकार कोई डेविल नहीं। तभी उसे डेयर डेविल, रैगिंग क्रू के एक मेंबर, थंडरबोल्ट से लड़ता दिखता है, और इसी के साथ शुरू होती है आज की कहानी, मार्वल जॉम्बीज वर्सेस आर्मी ऑफ डार्कनेस। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल जॉम्बीज वर्सेस आर्मी ऑफ डार्कनेस का एपिसोड 1। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सीरीज एक अल्टरनेट ओरिजिन है मार्वल जॉम्बीज की, और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम बता दें कि ये स्टोरी मार्वल जॉम्बीज रिटर्न्स के पहले की स्टोरी है, लेकिन मार्वल ने ये सीरीज पब्लिश की थी मार्वल जॉम्बी रिटर्न के बाद, इसलिए हम भी इसका सस्पेंस स्पॉइल ना करते हुए ऐसे ही ऑर्डर में आपको दिखाएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देख सके और इन्जॉय कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेयर डेविल थंडरबोल्ट से लड़ते वक्त कह रहा था, तुम्हें नहीं लगता थंडरबोल्ट तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए? तब थंडरबोल्ट ना कहकर फाइट कंटिन्यू करता है। उन दोनों को देखकर एशले विलियम्स सोच में पड़ जाता है कि इससे पहले किसी को चोट लग जाए मुझे इन दोनों को रोकना है, पर सवाल यह है कि इसमें से अच्छा वाला कौन है, वो जो कंस्ट्रक्शन टूल लेकर लड़ रहा है या वो पागल जिसने एक डेविल जैसे कपड़े पहने हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया कि मुझे किस घोड़े पे बेटिंग करनी है, और वो इतना कहकर अपना कटिंग टूल रेडी करता है। तभी पीछे से कोई एशले विलियम्स को पुकारता है, तब वो देखता है वो वही ओल्ड लेडी थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले भगाया था। उसे देखकर वो कहता है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें भगा दिया है ओल्डी। उस पे वो बूढ़ी औरत जिसे किसी डार्कनेस ने पजेस किया था वो कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ ट्रैवल करते हो, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तुम भगा नहीं पाओगे द नेक्रोनोमिकॉन्स को। मेरी वार्निंग को याद रखना एशले विलियम्स, हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं, ये दुनिया तबाह होने वाली है और आर्मी ऑफ डेड जिंदा होगी, ये दुनिया मरेगी और आर्मी ऑफ डेड जी उठेगी। उस पे एशले विलियम कहता है, अच्छा, और वो उस ओल्ड लेडी को पंच मारकर नीचे गिराता है। एशले अपना कटिंग टूल रेडी करके उस बूढ़ी औरत की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, ठीक है, लगता है मेन्यू में आज एक बुढ़िया का कटलेट है। तब डेयर डेविल ये देखकर कहता है, कितने शर्म की बात है, ये एक बूढ़ी और निहत्ते औरत पर हाथ उठा रहा है, और थंडरबोल्ट को मारकर एशले की तरफ बढ़ता है और कहता है, ये तो तुम्हारे रैकिंग क्रू का नया मेंबर लगता है और तुमसे भी ज़्यादा पागल है, और वो एशले को पंच मारता है, जिस पे एशले पूछता है, रैकिंग क्या, और ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। तभी थंडरबोल्ट पीछे से आता डेयरडेविल को दिखता है, लेकिन उसका ध्यान डाइवर्ट था इसलिए वो थंडरबोल्ट के हमले का शिकार हो जाता है। उस पर एशले कहता है, तुम्हें अपना ध्यान अपने टारगेट पर रखना चाहिए था। तब थंडरबोल्ट एशले से कहता है, मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, और मदद करने के लिए शुक्रिया,
उसपे एस्ले कहता है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद एस्ले डेली बुगल न्यूज़पेपर में रेकी क्रू के बारे में पढ़ता है, जिसपे उसे अपनी गलती का पता चलता है। और आगे वो पढ़ता है, स्पाइडरमैन एक हीरो या खतरा, फैंटेस्टिक फोर के फाउंडर्स को इंटरडाइमेंशनल दरार मिली और अर्थ के माइटेस्ट हीरोज ने पूर्व समुद्र तट को बचाया। ये सब पढ़कर वो कहता है, लगता है जिस डायमेंशन में मैं आया हूँ वहाँ ऐसे कॉस्ट्यूम वाले जोकर भरे पड़े हैं। अगर डेडाइट उतने बुरे हुए जितना मैं सोच रहा हूँ तो मुझे बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो एवेंजर मेंशन जाता है, जहाँ उससे उसका नाम और उसके यहाँ आने की वजह पूछी जाती है। तब एसमैन उस डिवाइस को अपनी गन से उड़ाता है, जिससे सारे एवेंजर्स उसके स्वागत के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर कर्नल अमेरिका उससे पूछता है कि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। तब लुक केज एसमैन की कॉलर पकड़ कर कहता है, या फिर तुम्हारी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी करे, अब बताओ तुमने हमारे इंटरकॉम के साथ ऐसा क्यों किया। तब एसमैन कहता है, इसके लिए वक्त नहीं है, हमारे पास एक सीरियस इशू है डिस्कस करने के लिए, दुनिया का अंत होने वाला है, मेरे पास एक डेडाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये दुनिया खत्म होगी और आर्मी ऑफ डेड जिंदा होगी। तब आयरन मैन कहता है, मुझे ये सनकी लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है मिस मार्वल। उस पर मिस मार्वल कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने कई पागल देखे हैं, अब देखते हैं ये पागल क्या कहता है। कर्नल एसमैन से कहता है, ठीक है तो बताओ हमें कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है उस खतरे के बारे में, और तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। उस पर एसमैन बताता है कि उसे वो इन्फॉर्मेशन एक बग लेडी से मिली, जिस पे एक इविल स्पिरिट ने कब्जा किया था, वो इविल स्पिरिट जो कि थी बुक ऑफ डेड से। तब मिस मार्वल कहती है, ठीक है मुझे लगता है हमें सिक्योरिटी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एसमैन आगे सबको बताता है, मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, लेकिन ये सच है, मैं उन डेडाइट से लड़ा हूँ, मैं टाइम ट्रैवल करके उनसे लड़ा हूँ, और तब भी उनसे लड़ा जब उन्होंने मुझे एक लूनी बीम में कैद कर लिया, और अब मैं इस डायमेंशन में हूँ, और वो भी यहाँ जल्दी आएंगे, ये बात याद रखना। उस पर एवेंजर्स हंसते हैं। तब एसमैन कहता है, हंसना बंद करो, ये मजाक नहीं है। तभी स्कारलेट विच अपने पावर से उसे भगा देती है। तभी जार्विस आकर सबसे कहता है, अच्छा हुआ उसे भगा दिया, हमें जानकारी मिली है कि मिड टाउन में कुछ अजीब ट्रांसपायरिंग हो रहा है। उस पर कर्नल अमेरिका सबको इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। तब हॉकआई वांडा से पूछता है, तुमने उसके साथ क्या किया। उस पर वांडा बताती है, मुझे लगा कि वो गर्म हो रहा है तो मैंने उसे ठंडा करने भेज दिया। तब हम देखते हैं एसमैन एक लेक में गिरा था, जहाँ वो कह रहा था कि इन मटर जितने दिमाग वालों को मदद नहीं मिलेगी जब यह शुरू होगा, और तब वो आसमान में पिंक लाइट देखता है। इस पे उसे कुछ याद आता है, जहाँ वो देखता है एसमैन और बाकी कुछ लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक एंजल उससे कहता है, ये चेन सॉ तुम इससे आगे नहीं ले जा सकते। तब एसमैन उससे बूमस्टिक के बारे में पूछता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस पे एसमैन कहता है, या फिर मैं इन दोनों को ही थोड़ी देर के लिए रख लूँ, और वो उस रोशनी से बाहर आकर लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तब वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आकर कहता है, ये तो यहाँ भी हो रहा है, और वो सबसे चिल्ला कर कहता है, मेरी बात सुनो, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम सब अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। तभी लोग एवेंजर को आता देख कर बाहर आ जाते हैं, जिस पे आयुष्मैन कहता है, जाओ यहाँ से, अपने अपने घर जाओ और अपनी जान बचाओ। तब एसमैन को देखकर मिस मार्वल कहती है, वो देखो हॉकआई, ये फिर से आ गया। तब हॉकआई कहता है, अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ नहीं बल्कि एक खतरनाक बेवकूफ़ है। एसमैन एवेंजर्स को देखकर कहता है, अब तो तुम मुझे सुनने को तैयार हो। तब उस पर मिस मार्वल कहती है, नॉट एग्जैक्टली। तभी स्पाइडी वहाँ आकर कर्नल से पूछता है, क्या तुम्हें फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से कुछ मदद चाहिए। तब कर्नल उससे आसमान में हो रही पिंक लाइटनिंग के बारे में पूछता है, जिस पे स्पाइडी कहता है, नहीं उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ग्राउंड पर पड़े येलो स्नो के बारे में पता है। उस पर कर्नल कहता है, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो। तब स्पाइडी एसमैन को अपने वेब्स में बांधकर वहां से जाने लगता है, जहां पर एसमैन कह रहा था, मुझे जाने दो, वो न्यूज़पेपर सही था, तुम सच में एक सनकी हो। उस पर स्पाइडी कहता है, लेकिन सुबह के एडिशन में मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी। तब एसमैन कहता है, तुम समझ नहीं रहे, वो डेडाइट्स, वो आ रहे हैं, वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे। जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये मैसेज मिला। तब स्पाइडी पूछता है, तुम यहाँ कहाँ से आए, बताओ मुझे।
तब वो कहता है आफ्टर लाइफ से। तब स्पाइडी पूछता है कि वो क्या है। तब एसमैन उसे बताता है कि कैसे पिंक लाइटनिंग से जॉम्बी सेंट्री आया और उसने सेंट्री को रोकने की कोशिश की और वो नाकामयाब हो गया। उस पर स्पाइडी आगे कहता है, और तुम यहाँ आ गए जैसा कि तुमने कहा इस यूनिवर्स में, तुम उससे क्या कहोगे अगर तुम्हें उसके जैसा कोई मिल जाए तो। तभी दूसरी तरफ सेंट्री सबको काट कर जॉम्बी बना चुका था, जहाँ कैप्टन वॉमिटिंग करते हुए कह रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे खून उबल रहा है। और ब्लैक विडो अपनी मुड़ी हुई गर्दन ठीक करके कहती है, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उस पर हॉकआई एक आदमी को अपने तीरों से मारते हुए कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, और खाने से मेरा मतलब है फ्लैश। तब स्पाइडी ये सब देखकर कहता है, क्या ये वही डेडाइट्स है जिसकी तुम बात कर रहे थे। उस पर एशमैन कहता है, नहीं मुझे कोई डेडाइट नहीं दिख रहा, और डेडाइट्स डिफरेंट फ्लेवर के होते हैं, तो हमें तुम्हारे जोड़ीदार जो कि डेडाइट्स के कब्जे में है उनसे दूर जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि हम इन अर्थ माइटेस्ट नरभक्षियों के सामने टिक पाएंगे। तब स्पाइडी उसकी बात मानता है और जाते वक्त सारे जॉम्बीज के बीच फंसी एक लड़की को बचाकर अपने साथ ले जाता है और कहता है, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने किसी बेगुनाह को मरने नहीं दे सकता, और जब वो नॉर्मल होंगे तब उन्होंने जो कुछ किया उसे संभलने में उन्हें वक्त लगेगा, मैं उन्हें और किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगने दे सकता। तब एसमैन कहता है, जब वो नॉर्मल होंगे, तुम्हारा स्क्रू लूज है क्या जो तुम सोचते हो कि वो नॉर्मल होंगे। थोड़ी देर बाद स्पाइडी उस लड़की को सेफ जगह छोड़कर कहता है, आपको किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। तब एसमैन कहता है, और मेरा क्या हीरो, क्या तुम मुझे इसी चिपचिपे वेव्स में बांधे रखने वाले हो। तब स्पाइडी कहता है, जब तक मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। तुमने कहा था कि डेडाइट्स पर कुछ असर नहीं करता। तब एसमैन कहता है, शायद वो नेक्रोनॉमिकॉन एक प्राचीन सेमिनियर है बुक ऑफ डेड से, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो इस वर्ल्ड में आए। तब स्पाइडी कहता है, मान लो हमने उन नेक्रोनॉमिकॉन को पता लगाया और हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तब एसमैन किसी को देखकर कहता है, मुझे नहीं लगता ये गोल पर्टिकुलरली रियलिस्टिक होगा। तब हम देखते हैं कर्नल अमेरिका को जो स्पाइडी को काट लेता है। ये दुनिया के अंत की शुरुआत है। एक डिस्प्लेस्ड मैन अर्थ पर वापस आया जो कि उसकी नहीं थी, और एशले जे विलियम्स जो आर्मी ऑफ डेथ से लड़ा पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही जगह, और खुद को अचानक पाया आउट ऑफ टाइम में। तब स्पाइडी के पीठ से नीचे गिरे एश को देखकर हॉकआई कहता है, कोई इसके दिमाग को डिप करना चाहेगा।